आज की इस वीडियो में हम लोग गिलोई लगाएंगे। एक गिलोई का पौधा है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसके पत्ते हैं, और इसे हम लोग कटिंग से कैसे रोक रहे हैं देख सकते हैं। मेरे पास ये तीन कटिंग है, इसे हम लोग लगाएंगे मिट्टी में। ये एक बहुत ही गुणकारी पौधा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और अभी तो हमें इस टाइम में इम्यूनिटी की ही ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने वही मिक्सर लिया है, एक भाग गोबर की खाद और तीन भाग मिट्टी। तो आइए इसे हम लोग सिंपली पॉट में लगाते हैं। ये एक सिंपली टूटे हुए गमले का टुकड़ा है, इसे यहाँ दिया, जस्ट सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा मिट्टी इसमें डालते जाना है। मिट्टी ज़्यादा पड़ गई इसमें, मिट्टी को डालना है, कटिंग को लेना है, जस्ट इसे देखिए ये हमेशा ऊपर रहे, ध्यान रहे, ये नीचे वाला पार्ट है, ये अपग्रोथ है, इसमें हम लोग मिट्टी डालेंगे। मिट्टी हम लोगों ने डाल लिया इसमें, इसे प्लांट को लेंगे, कुछ नहीं करना, जस्ट सीधा मिट्टी डालते जाना है इसमें। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये खुद ब खुद ग्रो कर लेगा, कुछ नहीं करना है इसमें, बस मिट्टी डालना है, अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देना है, ये खुद ब खुद ग्रो कर लेगा। ये हो गया, इसे भी हम लोग लगा लेते हैं। ये हो गया, जस्ट सिंपली ये दो कटिंग है, इसे लेना है, इस तरह से डालना है, इसे मिट्टी डाल देना है, एकदम देसी प्लांट है, कुछ करने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा इसमें, जस्ट इसे सिंपली लगा दीजिए, ये ग्रो कर जाएगा, कुछ नहीं करना, बस इसे लगाने में थोड़े कुछ दिन सेमी सेड में रखिए, 10-15 दिन न्यू ग्रोथ आ जाए, इसे धूप में निकाल दीजिए, कुछ करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें अब हम लोग वाटरिंग कर देंगे, और इसमें हम लोग वाटरिंग कर देते हैं, सिंपली कुछ नहीं करना, जस्ट वाटरिंग कर देते हैं, पूरा भर कर वाटरिंग करें, भरपूर वाटरिंग, इतना पानी डालें ताकि नीचे से पानी निकल जाए, पीछे से जा। तो हम लोगों ने इसमें वाटरिंग कर लिया, इसे कुछ नहीं करना, इसे 15 दिन तक हमें शेड में रखेंगे, और देखते हैं 15 दिन बाद क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।